कुछ एक्स्ट्रा सवाल देखते हैं मिसलेनियस का। यदि a टू द पावर c प्लस b पर पावर c में c एक विषम संख्या है तो वह संख्या निश्चित रूप से a प्लस b से विभाजित होगा। यदि a पर पावर c प्लस b पर पावर c एक विषम संख्या हो तो वह संख्या निश्चित रूप से वह a प्लस b से पूर्णतः विभाजित है। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि 2 पर पावर 3 प्लस 4 पर पावर 3, 3 एक क्या है? विषम संख्या। 3 एक क्या है? विषम संख्या। तो वो क्या है? ए प्लस बी से पूर्णतः विभाजित होगा। तो ए प्लस बी क्या है? यहाँ एक जगह 2 है और एक जगह 4 है, तो 2 प्लस 4 मतलब क्या आ जाएगा? 6। तो ये संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे 17 पर पावर 13 प्लस 11 पर पावर 13 को जब 28 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो हम लोग पढ़े कि a पर पावर c प्लस b पर पावर c, जहाँ c ये क्या हो? विषम संख्या। जहाँ यहाँ c की जगह कितना है? 13। 13 क्या है? विषम संख्या। तो निश्चित रूप से a प्लस b से पूर्णतः विभक्त होगा। मतलब 17 प्लस 11 क्या आता है? 28। ये 28 से संख्या क्या होगा? पूर्णतः विभक्त होगा। तो पूर्णतः विभक्त होगा तो इसका शेषफल क्या आ जाएगा? 0। नेक्स्ट सवाल, 13 पर पावर 17 प्लस 11 पर पावर 17 को जब 8 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि a पर पावर c प्लस b पर पावर c, जहाँ c क्या हो? विषम संख्या। तो वह संख्या निश्चित रूप से a प्लस b से पूर्णतः विभक्त होता है। तो क्या है? a प्लस b एक जगह 13 है और b की जगह 11 है, तो दोनों का योग कितना होता है? 24। अब ये संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त होगा। यह संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित है। तो जब यह संख्या 24 से विभाज्य है तो निश्चित रूप से वो 8 से पूर्णतः विभाज्य होगा, क्योंकि 24 क्या है? 8 का फैक्टर है। जब 8 का फैक्टर हो, जब 8 का गुणज हो, निश्चित रूप से जो संख्या 24 से कटता होगा वह 8 से कटेगा। जब जब 24 से भाग लग जाता है तो शेषफल 0 होता है। तो 8 से भी लगेगा, शेषफल क्या आ जाएगा? 0। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 13 पर पावर 162 11 पर पावर 162 माइनस को निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाज्य है? 13 पर पावर 162 माइनस 11 पर पावर 162 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाज्य होगा? इस ऑप्शन दिया हुआ है, इसको देखते हैं कैसे बनेगा। 13 पर पावर 162 माइनस 11 पर पावर 162, इसको हम लिख सकते हैं क्या? 13 पर पावर 81 का होल स्क्वायर। 13 पर पावर 81 का होल स्क्वायर माइनस 11 पर पावर 81 का होल स्क्वायर। जानते हैं कि ए टू द पावर एम, इस पे पावर एन होता है, क्या होता है? ए टू द पावर एम इंटू एन। इसी तरह ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया ए, तो ए का स्क्वायर माइनस ये बी, तो ये बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वही ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर बैठेंगे क्या? 13 पर पावर 81 प्लस 11 पर पावर 81 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 13 पर पावर 81 माइनस 11 पर पावर 81। अब क्या पढ़े हम लोग कि a पर पावर c प्लस b पर पावर c, जहाँ c एक विषम संख्या हो तो वह संख्या a प्लस b से पूर्णतः विभाजित होता है। तो a प्लस b, a का मान क्या है? 13 और b का मान क्या है? 11। a का मान 13 प्लस b का मान 11 क्या आ जाएगा? 24। तो यह संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त होगा। जब यह संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त होगा तो यहाँ ऑप्शन में देखते हैं कि 12, 7, 13 और 11। तो 24 क्या है? 12 का फैक्टर है। 24 क्या है? 12 का फैक्टर। जो संख्या 24 से पूर्णतः भाग लग जाएगा वह संख्या क्या होगा? 12 से भी पूर्ण पूरी पूरी संख्या कट जाएगा। इसलिए इसका शेषफल कितना आ जाएगा? शेषफल इसका क्या आ जाएगा? 0।
जब शेषफल जीरो आएगा तो संख्या क्या होगा, 12 से पूर्णतः विभक्त होगा। इस सवाल का सही जवाब क्या है, 12 है सर। अब 24 से ये संख्या जब कटेगा, जब 24 से भाग रहे थे 24 का 24 जो जो संख्या कटता होगा, जैसे 1, 2, 6, 4, 12, 24 ये सभी संख्या कुछ भी अगर इसमें से ऑप्शन रहा था तो इस सवाल का क्या होता, आंसर होता है इसमें से 12 दिया, इसलिए ये इसका सही जवाब 12। नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को जब एक्स माइनस वाई से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक प्लस एक बार जोड़ और एक बार घटाओ, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और इसको बोला कि जब हम किससे भाग लगाते हैं, एक्स माइनस वाई से, जब एक्स माइनस वाई से भाग लगाएंगे ये दोनों क्या होगा कट जाएगा, तो जब कटेगा तो ये उसका क्या कहलाएगा, भागफल। ये जो 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 बच जाता है वो क्या कहलाता है, भागफल। जब भाग पूरी संख्या ये कट गया तो क्या इसका शेषफल आएगा, इसलिए इसका शेषफल क्या बच जाएगा, जीरो। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट फैक्टोरियल 100, यदि उसको हम 8 से भाग दें तो इसका शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो फैक्टोरियल 4 को हम लिख सकते हैं क्या, एक फैक्टोरियल 1 प्लस, यहाँ देख देते हैं, लिख देते हैं 1 प्लस फैक्टोरियल 2 का अर्थ क्या है, 1 गुना 2। फैक्टोरियल 3 का अर्थ क्या है, 1 गुना 2 गुना 3। फैक्टोरियल 4 का अर्थ क्या है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4। फैक्टोरियल उसी तरह आगे फैक्टोरियल 100 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 डॉट डॉट 100। फैक्टोरियल 1 को 1 लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 2 को 1 गुना 2, फैक्टोरियल 3 को 1 गुना 2 गुना 3, फैक्टोरियल 4 को 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, उसी तरह 5 रहेगा ताकि जैसे 100 को फैक्टोरियल 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट डॉट 100 तक। अब इसको भाग लगाना है किससे, 8 से। जब इसको 8 से भाग लगाए तो पूछा कि ये संख्या जब 8 से भाग लगाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब जब ऐसे है तो हम जानते हैं कि ए प्लस बी बटे अगर सी रहता है, जिसको हम लिख सकते हैं ए बटे सी प्लस बी बटे सी, इसको बार बार हम अलग अलग कर सकते हैं। अब देख रहे हैं जब इसको अलग अलग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/8 प्लस इसको जब अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 गुना 2/8, फिर इसको अलग करेंगे तो 1 गुना 2 गुना 3/8 प्लस ये 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 बटे कितना 8, उसी अनुसार 100 लास्ट में भी क्या आ जाएगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना बटे 8। अब इसको हल करना है, जैसे देख रहे हैं 4 गुना 8, 2 से 4, 4 गुना 8 ये दो दो कट गया, ये क्या है पूरी संख्या जब कट गया थी पता चला कि इसका शेषफल क्या आ जाएगा, यहाँ 0। उसी अनुसार यहाँ जितना भी से आगे आएगा फैक्टोरियल 4 से जितने भी आगे होगा सभी का शेषफल क्या आ जाएगा, 8 से पूरी पूरी संख्या कट के शेषफल हमको 0 दे देगा। अब बच रहा है यहाँ, जिसको अब ये कट नहीं रहा है इसको क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो क्या जाएगा, इसको हल करेंगे तो 1/8 आएगा प्लस ये 2/8 आ गया, और ये इसको हल करेंगे तो ये 2 किया 6, 6/8 दोनों में एलसीएम कितना आ जाएगा 8। जब 8 का एलसीएम 8 से भाग लगाएंगे तो 1 गुना 1 क्या आएगा 1 प्लस, जब 8 से भाग लगाना है तो क्या 1 आएगा तो 1 प्लस 2 2, जब 8 से भाग लगाएंगे तो 1 6 कितना आ गया 8 1 9 9/8 9/8, मतलब जब 9/8 को जब भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या बचेगा 9, जब 9 में 8 से भाग लगाएंगे तो इसका शेषफल क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट टाइम देखते हैं सवाल, जब 9^6 9^6 को जब 8 से भाग दिए जाने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। 9^6 को जब 8 से भाग दिए जाने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। जब इस टाइप का सवाल क्लिक नोट देखिए, जब दी गई संख्या का आधार, जब दी गई संख्या का आधार दिए गए भाजक से, जब दी गई संख्या का आधार दिए गए भाजक से एक
बराबर, जब दी गई संख्या का आधार दिए गए भाजक से एक बराबर, दी गई संख्या का आधार दिए गए भाजक से एक बड़ा हो तो पावर के सम या विषम, पावर के सम या विषम कुछ भी हो, पावर के सम या विषम कुछ भी होने पर शेषफल हमेशा वन प्राप्त होता है, शेषफल हमेशा वन प्राप्त होता है। जैसे देख रहे कि संख्या का आधार नौ है, इसमें पावर सम सम है और भाग लगाते हैं आठ से, तो क्या है ये नौ जो है आठ से एक बड़ा है, इसलिए पावर चाहे सम हो या विषम इसका शेषफल हमेशा कितना प्राप्त होगा वन, इसीलिए इसका हमेशा आंसर क्या आ जाएगा, इसका शेषफल वन प्राप्त होगा। उसी अनुसार जैसे 203, 203 पर पावर 217 है, जब इसको हम 202 से भाग लगाते हैं, देख रहे संख्या का आधार 203 है, भाग लगा रहे हैं 202 से, जिसे जिसे भाग लगा रहे हैं उससे क्या है कि ये बराबर है, एक इससे अधिक है, पावर क्या है विषम संख्या, तो क्या होगा इसी नोट पर आधारित सवाल है, इसका विशेषफल क्या आ जाएगा वन। 313 पर पावर 316, 313 पर पावर 316, 316 क्या है सम संख्या, पावर सम है, यहाँ पावर विषम था लेकिन हम भाग किसे लगा रहे हैं उससे एक, उससे एक कम है और एक क्या बोलते हैं संख्या का आधार जो है जिसे भाग लगाते हैं उससे क्या है बड़ा है, जब एक बड़ा होता है तो उसका शेषफल क्या होता है हमेशा वन प्राप्त होता है। उसी तरह इसका संख्या का आधार दिया गया है 26 है और भाजक क्या है 25, क्या है संख्या का आधार एक बड़ा है तो इसका शेषफल क्या प्राप्त होगा वन, सेम है। ये नोट टू देखते हैं, जब दी गई संख्या का आधार, जब दी गई संख्या का आधार दिए गए भाजक से, जब दी गई संख्या का आधार दिए गए भाजक से एक छोटा हो, दिए गए भाजक से छोटा हो, यदि पावर, यदि पावर सम हो, यदि पावर सम हो तो शेषफल कितना प्राप्त होता है वन, जब दी गई संख्या का आधार दिए गए भाजक से एक छोटा हो तो यदि पावर उसका सम हो, फिक्स है कि जब दी गई संख्या का आधार दिए गए भाजक से छोटा हो और पावर क्या हो सम हो तो उसका शेषफल कितना प्राप्त होता है वन। जैसे यहाँ दी गई संख्या का आधार दिए गए भाजक से कम है, दी गई संख्या का आधार दिए गए भाजक से एक कम है तो इसके पावर क्या है यहाँ सम संख्या, जब पावर सम है तो इसका शेषफल क्या प्राप्त होगा वन। फिर आगे देखते हैं, परंतु जब दिए गए पावर, जब दिया गया घात क्या हो विषम, जब दिया गया घात विषम हो तो संख्या का आधार, संख्या का आधार ही शेषफल कहलाता है, संख्या का आधार ही शेषफल कहलाता है। जैसे देख रहे हैं संख्या का आधार क्या है 67, भाग किसे लगा रहे हैं 68 से, क्या है संख्या का आधार दिए गए भाजक से एक कम है तो इस पे पावर क्या है एक विषम, जब पावर विषम है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा इसका संख्या का आधार, संख्या का आधार क्या है 67, इसलिए इसका शेषफल क्या आ जाएगा 67। यहाँ भी देख रहे हैं दिया गया संख्या का आधार क्या है 13, भाग किसे लगाते हैं 14 से, दिए गए संख्या का आधार क्या है भाजक से कम है तो पावर क्या है विषम, जब पावर विषम होता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा होता है, जब पावर विषम हो तो शेषफल संख्या का आधार ही शेषफल कहलाता है, संख्या का आधार क्या है 13, इसलिए इसका शेषफल क्या आ जाएगा 13। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना है, भाजक जो है भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है तो ज्ञात करें कि, तो ज्ञात करें कि भाज्य क्या है जबकि शेषफल कितना है, ज्ञात करें कि भाज्य क्या है जबकि शेषफल 48 है। बोल रहे क्या है भाजक जो है भागफल का कितना गुना है 12 गुना, भाजक भागफल का 12 गुना है, फिर क्या बोला है भाजक जो है शेषफल का कितना गुना है 5 गुना, भाजक जो है शेषफल का 5 गुना है। बोल रहा है कि जबकि शेषफल कितना है 48, जब हम शेषफल 48 ले लेंगे, जब शेषफल 48 दिया है तो 48 गुना 5, 8 में से 40, 4 से 8, 4 में से 20, 20 दो 22, चार आठ पे 40, चार पे 20, चार 24, तो भाजक कितना प्राप्त हो गया 240, जब भाजक 240 प्राप्त है, भाजक की जगह 240 जब रखेंगे तो भागफल निकल जाएगा, भागफल गुना क्या है 12, अब ये गुना 12 12 में आ जाएगा, भाग 240 बटे 12 क्या आ जाएगा भागफल, भागफल
24 मतलब 20, तो भागफल कितना प्राप्त हो जाएगा 20। तो जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष। तो भाज्य कितना प्राप्त हो गया, भाज्य 240 गुना भागफल 20 प्लस शेष 48। जब इसको हल करेंगे तो 20 गुना 240 क्या आ जाएगा, 24 गुना 48 4800 प्लस 48 क्या आ जाएगा, 48। नेक्स्ट सवाल क्या है, जब 3015 को 13 से भाग दिए जाने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो आसान सवाल है, जब 3015 को हम 13 से भाग लगाएंगे तो शेषफल भाग लगा के जो शेषफल आएगा वही उसका आंसर आएगा। 13 × 26 तो घटे क्या आ जाएगा 4, 1 × 33 = 39, 2 × 5 = 13। शेषफल क्या प्राप्त हो गया, 12। यही इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 3041 3041 में न्यूनतम क्या घटाया जाए, 3041 में न्यूनतम क्या घटाया जाए ताकि प्राप्त परिणाम 15 से पूर्णतः विभक्त हो, ताकि प्राप्त परिणाम करने से पूर्णतः विभक्त हो। क्या है, किसी 3041 में न्यूनतम क्या घटाया जाए ताकि प्राप्त परिणाम 15 से पूर्णतः विभाजित हो। अब देखो इसका नोट दिया है, किसी भी संख्या में न्यूनतम क्या घटाया जाए, किसी भी संख्या में न्यूनतम क्या घटाया जाए वैसे सभी प्रश्नों में, किसी भी संख्या में न्यूनतम क्या घटाया जाए वैसे सभी प्रश्नों में दी गई संख्या को, वैसे सभी प्रश्नों में दी गई संख्या को दिए गए भाजक से भाग लगाकर, दी गई संख्या को दिए गए भाजक से भाग लगाकर शेषफल प्राप्त किया जाता है, दिए गए भाजक से भाग लगाकर शेषफल प्राप्त किया जाता है, और वही शेषफल दी गई संख्या का क्या हो जाता है, और वही शेषफल दी गई संख्या में से घटाया जाता है, जो शेषफल प्राप्त होता है उसी को क्या करना है, घटा दिया जाता है। तो वही सवाल में क्या हो जाएगा आंसर, कब, जब दी गई संख्या में न्यूनतम क्या घटाया जाए वाले सभी प्रश्नों में क्या करना है, दी गई